लीगल हेल्पलाइन आप देख रहे हैं और हाई कोर्ट से कैसे पाएं राहत इस विषय से संबंधित कानूनी जानकारी हमें दे रहे हैं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सीआरपीसी की धारा 482 की जरूरत क्यों पड़ी, इसको थोड़ा सा और विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। इसके साथ ही सर ये भी बताएं दर्शकों को कि धारा 482 का किन हालातों में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जैसे ऋषि मैंने आपको बताया, जैसे कोई कानून बन रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी नया जो भारतीय कानून बन रहे हैं, भारतीय न्याय शास्त्र बन रहा है, भारतीय न्याय व्यवस्था बन रही है, ये कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएगी जी। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो कि कालांतर में आने वाले समय में पैदा होंगी, जिसकी हमें आज जानकारी नहीं है जी। या जो कानून बनाने वाले जो लेजिस्लेचर है उनको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या पैदा होगी या कोई और बात पैदा होगी तो ऐसी स्थिति में कानून के पास क्या रास्ता है कि वो आपको न्याय दिला सके। तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट की एक इनहेरेंट पावर की जरूरत महसूस की गई कि हाईकोर्ट, वो भी वो विशेष तौर पर वो पावर मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं है, वो सेशंस के पास नहीं है, वो केवल हाईकोर्ट के पास है। आप हाईकोर्ट जाते हैं इसीलिए, और लगता है कोर्ट को सुनने के बाद, नोटिस करने के बाद या नोटिस करने से पहले भी आपका केस ऐसा है जिसके अंदर न्याय की आवश्यकता है और उसके अंदर कोई जो प्रोसीजर जो है उस प्रोसीजर का गलत इस्तेमाल किया गया है या कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है या ऐसा कोई प्रावधान आपके पास नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी प्रावधान है, आप रिलीफ किसी और तरीके से ले सकते हैं, तब आप इस विशेष धारा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब आपको उसी धारा में जाना पड़ेगा। लेकिन जब मान लीजिए ऐसा कोई ऐसी कोई समस्या आपके साथ आ रही है या ऐसा कोई आप रिलीफ चाहते हैं जो मौजूदा प्रावधानों में नहीं है जी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस विशेष जो कानून था, विशेष जो प्रायोजन था, इसको इस कानून में रखा गया और ये पावर विशेष रूप से हाई कोर्ट को दी गई जी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरह न्याय का जो व्यवस्था हो सके और लोगों को न्याय मिल सके जी। सर आपसे हाईकोर्ट की शक्तियों के बारे में भी हम यहाँ पर समझना चाहेंगे कि धारा 482 यानी 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियाँ क्या कुछ होती हैं, वो भी विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए जैसे हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ के अंदर जो मजिस्ट्रेट साहब है वो अपने मुकदमे, वो अपने किसी ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते। ऐसे ही सेशंस कोर्ट जो है अपने किसी ऑर्डर का रिव्यू नहीं कर सकती। आप मजिस्ट्रेट साहब के वो भी फाइनल ऑर्डर के खिलाफ आप रिविजन फाइल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मजिस्ट्रेट की या सेशंस कोर्ट की कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर होती है, जैसे मान लीजिए किसी केस के अंदर 130 का कोई केस है, उसमें 4 लोग मुलजिम बना रखे हैं और कुछ लोगों को 4 लोगों सम्मन हो गया। अब वो सम्मन होने के बाद उनके पास कोई प्रोविजन नहीं है कि बीच में आके अपने मुकदमे को खत्म करा सके। अगर लेकिन उनको लगता है कि हमें समनिंग गलत हो गई या कोई ऐसा इंटरलोकेटरी ऑर्डर है जो पास हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और इंटरलोकेटरी जो ऑर्डर होता है उसकी रिविजन भी नहीं हो सकती जी, ना अपील हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में जो विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आप डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं और अपनी उस प्रेयर को आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं, और कोर्ट को लगता है कि हाँ और कोई व्यवस्था नहीं है जिसके तहत आपको न्याय मिल सके तो कोर्ट उस स्थिति में जो है आपको न्याय दे सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी शक्तियां होती है, अगर विशेष तौर पे देखा जाए या उसको समाप्त किया जाए तो जहां भी कोर्ट को लगता है कि मिसयूज ऑफ लॉ है, लॉ को कहीं मिसयूज किया जा रहा है या प्रार्थी के पास ऐसे प्रावधान नहीं है जिनके तहत वो ऑलरेडी जो प्रिस्क्राइब लॉ है उसमें अपने रिलीफ को पा सके या कानून अपने न्याय पा सके जी, तो हाईकोर्ट जो है अपनी जो अंतर्निहित शक्तियां जो है इनहेरेंट पावर है उनका यूज करता है और न्याय प्रोवाइड करता है जी। सर एक चीज और आपसे समझने की यहाँ कोशिश करना चाहते हैं जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ताकि वो भी इस चीज को अच्छे से समझें और उनको भी कानूनी ज्ञान मिल सके। सर ये बताइए कि झूठी एफआईआर दर्ज होने पर धारा 482 के तहत राहत कैसे मिलती है। देखिए जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर हो जाती है तो सामान्यतः एफआईआर होने के बाद नियम ये है कि पुलिस उस एफआईआर की तफ्तीश करती है, या तो पुलिस ये साबित करे कि वो एफआईआर जो है वो झूठी एफआईआर है और उस मामले में जो है वो क्लोजर दाखिल कर दी। लेकिन अगर पुलिस उसको क्लोजर दाखिल नहीं करती
लेकिन जो प्रार्थी है या व्यक्ति है उसको उसको लगता है कि उसके पास ऐसे ऐसे सफिशियंट एविडेंस है या कॉन्ट्रेरी एविडेंस है जो साबित प्राइमर प्रसाद साबित करते हैं कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है जी। या FIR जो बनाई गई है वो प्राइमर फेसाई, जिसमें मैं वर्ड जो इस्तेमाल कर रहा हूँ प्राइमर फेसाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। सामान्यतः ऐसा नहीं है कि आप हर FIR के लिए आप हाईकोर्ट जाए और कहीं FIR झूठी है। अब कोर्ट कहता है अगर किसी व्यक्ति ने FIR लिखवाई है तो पुलिस तफ्तीश करेगी और तफ्तीश करके बताएगी कि आपके खिलाफ मुकदमा बनता है या नहीं बनता जी। अगर बनता है तो आपको अधिकार है कि आप चार्ज पे आर्गुमेंट कर सकते हैं, डिस्चार्ज सीख कर सकते हैं जी। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो FIR हुई है वो दुर्भावना में की गई है, झूठे तथ्य पर की गई है और प्रॉपरली जो लॉ है उसका मिसयूज किया गया है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट 482 की धारा का इस्तेमाल करके उस FIR को रद्द कर सकता है। इसके अलावा आपको इंतरिम आदेश में आपकी जो किस तरह की गिरफ्तारी है वो रोक सकता है। इसके अलावा और ऐसे बिंदु जो आपको लगता है कि मेरे केस में इम्पोर्टेंट है जो पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही जी, तो उन मामलों पर भी, यानी कि कोर्ट की एक ऐसी शक्ति है जिस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोर्ट न्याय को पाने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी आदेश जो है वो जारी कर सकती है। वरना सामान्यतः जो दंड प्रक्रिया में जितने आदेश है वो सबके सब CRPC के द्वारा गवर्न होते हैं जी। लेकिन 482 के अंदर जिन प्रोविजंस में आपके पास रिलीफ आप नहीं पा सकते, आप 482 में जा सकते हैं और न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे करना चाहती थी सर, धारा 482 गिरफ्तारी से कैसे बचाती है ये भी समझाएं। देखिए ऋषु, जब कोई व्यक्ति को लगता है कि उसके खिलाफ कोई झूठा मामला दर्ज किया गया है और उसको ये डर है कि झूठी FIR के चलते और वो FIR अगर नॉन अवेलेबल सेक्शन में है और उसको डर है कि उसकी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, तो ऐसे में वो 482 के अंदर एक ऐसा आदेश प्राप्त कर सकता है कि जब तक उसके मामले की सुनवाई फाइनल नहीं हो जाती तब तक उसकी गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगाई जाए। और अगर कोर्ट को लगता है प्राइमर फेसाई उस व्यक्ति के जो मामला है उसको सुनने के बाद, सारे तथ्यों को देखने के बाद कि हाँ कानून की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति को जब तक मामला फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता उसको राहत दी जाए और उसको गिरफ्तारी से उसको राहत दी जाए, उसको गिरफ्तार करने से रोका जाए और पुलिस के किसी भी एक्ट के ऊपर लगाम लगाई जाए, तो ऐसी स्थिति में 482 में कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके ये आदेश दे सकती है कि टिल नेक्स्ट डे जो कोई भी कोरेसिव एक्शन है, कोई भी दंडात्मक कार्रवाई जो है उस व्यक्ति के खिलाफ ना की जाए। बहुत बार वारंट इशू हो जाते हैं, बहुत बार गिरफ्तारी वारंट के अलावा अरेस्ट का डर हो जाता है और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे आदेश होते हैं जो कोर्ट अंतरिम आदेश के रूप में पास करता है और न्याय दिलाने की कोशिश करता है जी। सर ये भी बताइए कि किन दस्तावेजों को धारा 482 की शिकायत में साथ रखा जाता है। देखिए ये यही बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सामान्यतः दो व्यक्ति के बीच में जब भी विवाद होता है तो एक व्यक्ति अपने जो दस्तावेज या सबूत कोर्ट में पेश करता है या अपनी शिकायत के साथ देता है और उपेक्षा की जाती है उन उन दस्तावेजों को या उन साक्ष्यों को काटने के लिए दूसरा व्यक्ति उस ट्रायल कोर्ट के अंदर अपने एविडेंस दे। अब सवाल ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति सीधा डायरेक्ट हाईकोर्ट जाना चाहता है और वो FIR दर्ज कराना चाहता है तो क्या वो जो सामान्य से जो उसके पास दस्तावेज है उन दस्तावेजों को आधार बनाकर हाईकोर्ट उस FIR को दर्ज कर सकता है या किसी शिकायत को ले सकता है। यही इम्पोर्टेंट है कि वो जो एविडेंस है वो इतने प्राइमर फेसाई सॉलिड होनी चाहिए कि कोर्ट को देखते हुए प्रथम दृष्टा ये लगे कि हाँ जो वादी ने केस लिए केस किया है जो वो केस बिल्कुल प्रूफ होता है और जो वो एविडेंस है वो एविडेंस इस नेचर के हैं कि हाँ उस व्यक्ति के एविडेंस के ऊपर या उसके दिए गए दस्तावेजों के ऊपर कोर्ट तुरंत कार्रवाई कर देगा, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आदेश दे सकते हैं। जैसे आप मैंने पहले बताया कि सामान्यता
हर एक सामान्य जो जो भी कोई भी सबूत होता है उन सबूतों को अगर आप लेके जाते हैं तो कोर्ट कहता है कि आपके पास अधिकार है, जब आपका समय आएगा आप अपने बचाव के डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिखा ट्रायल कोर्ट में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे एविडेंस हैं जो बिल्कुल प्रसन्नता ये प्रूव करते हैं कि शिकायतकर्ता का जो केस है वो झूठा केस है, या आपने जो शिकायत की आपकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही और आपके पास बहुत पुख्ता सबूत है, तो उन सबूतों को आधार बनाकर कोर्ट जो है वो 482 में आदेश पास कर सकते हैं। लेकिन सामान्यता अगर आपका कोई बचाव के सामान्य जो आपका एविडेंसेज है तो ऐसे स्थिति में कोर्ट कह सकता है कि जब आपका समय आएगा आप ट्रायल कोर्ट में इन दस्तावेज को दीजिए और दोनों पार्टी को अधिकार है अपनी बात को साबित करने का। लेकिन ये तभी हो सकता है हाई कोर्ट के अंदर जब कोर्ट को साबित हो जाए केवल एविडेंस देखते ही कि ये एविडेंस सफिशियंट है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए या किसी एफआईआर को दर्ज करने के लिए। जी सर, लगातार बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। सर ये भी बताएं कि रद्द करने वाली याचिका में अंतरिम आदेश पारित करने के लिए हाई कोर्ट की शक्तियों का दायरा क्या कुछ है? देखिए कई बार आपने देखा होगा कि 482 की जो प्रोविजन है उनको इस्तेमाल करते हुए कई बार घरेलू मामलों के अंदर भी कोई व्यक्ति किसी एफआईआर को दर्ज कराने के लिए कोर्ट चला जाता है। लेकिन कई बार जब आदेश कोर्ट पास कर रहा होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होता कि उसी समय किसी अंतिम आदेश को पास कर दे, या उनको ऐसा लगता है कि अभी रद्द, जैसे मान लीजिए किसी एफआईआर को आप क्वैश कराने के लिए हाईकोर्ट जाते हैं, लेकिन जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। सर लगता है कि कोई तकनीकी समस्या है, दोबारा से संपर्क साधने की हम कोशिश आपसे करेंगे। लेकिन एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि आज जिस विषय पर हम यहां पर चर्चा कर रहे थे इस बारे में हमें जानकारी दे रहे थे ऋषि पाल सिंह जी, और अगर इस विषय से संबंधित या इसके अलावा कोई और भी कानूनी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो हर दिन 5:30 बजे हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन को देखना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कानूनी जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। और इसी के साथ खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।